उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना खजूरी खास इलाके में घर के सामने शराब पीने का विरोध करने पर युवकों ने घर की महिलाओं पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए उसके भाई पर भी धारदार हथियार से वार कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। पीड़ित का आरोप है कि वह अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। आखिरकार घायल खुद किसी तरीके से शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज तो किया गया पर पीड़ित सूरज सोलंकी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने देख गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। नाम आपका? मेरा नाम अंजू है। अंजू, क्या हुआ आपके भाई के साथ? बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ कहीं? जी, मेरी बहन काम पे गई हुई थी, ये जब अपने घर पर आई तो वो लोग दारू पी रहे थे इसके घर के बाहर बैठकर, और इसने इस चीज़ का विरोध किया कि भैया यहाँ से हट जाओ, मेरी लड़की से आनी है। तो उन लोगों ने बदतमीजी करी मेरी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ। तो इसने मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया, हमारे भाई को, और जब वो आया घर पर इसके यहाँ, तो ये सारे के सारे चिपट गए उसके ऊपर, उसके सर में तलवार मारी और डंडे भी मारे। मेरी बहन ने उसे बचाया तो उसको भी चोट आई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितने लोगों की चोटें आई हैं? नहीं, मेरे भाई को ही चोट आई, मेरी बहन को चोट आई। अच्छा, कहाँ पे मारा, कौन सी जगह लगती है? ये सोने विहार है। थाना कौन सा लगेगा आपको? थाना खजूरी थाना, सोने विहार थाना। पुलिस से बात करी? जी, मैंने बात नहीं करी अभी कुछ भी। पीड़ितों की बहन ने बताया कि वह परिवार के साथ खजूरी खास थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाके में रहती हैं। पर रविवार देर रात उसके घर के सामने कुछ युवक बैठकर नशा कर रहे थे। विरोध करने पर वहीं के लड़कों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाव करने आए उसके भाई सूरज पर युवकों ने तलवार से और डंडों से हमला कर दिया। परिवार ने बताया, मुझे भी उन लड़कों ने मेरे पीठ और हाथ पर डंडों से हमला किया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। वह लोग जब थाने गए लेकिन वहां भी पुलिस उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। पीड़ित अब मदद की गुहार लगा रहा है कि हमें अपनी जान का खतरा बना हुआ है।